Wacker, wacker, mal hier, Liebe. हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज फाइनली जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो आज वो चीज़ अब करने जा रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी यात्रा चालू होते हैं यहाँ से रीवा बस स्टैंड से 2 बजे के लिए ये गाड़ी जाती है प्रयागराज, और अपन अब यहाँ से चलते हैं। और ये गाड़ी अपने को डायरेक्ट छोड़ेगी इलाहाबाद, और यहाँ से निकल चलेंगे इस बस से, जो कि MP 1825 राज की बस है। तो फाइनली अपना सफ़र चालू हो गया है, और अपन पहुंच गए हैं चाकघाट, और अपनी बस यहां पे खड़ी हुई है, जो कि रीवा से चाकघाट 70-80 किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ तक, क्योंकि रीवा से इलाहाबाद 130 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर ये पड़ता है। और अपनी बस वो खड़ी हुई है पक्षीराज सामने, इसी से अपन पहुँच जाएंगे अब इलाहाबाद। ये सामने पक्षीराज रुके हुए हैं यहाँ पे, अपनी बस है, सब लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ से निकलेगी, 4 बज गए हैं समथिंग, और ये चाकघाट बॉर्डर है, जो ढावा उत्तर प्रदेश परिवहन मध्य प्रदेश बॉर्डर। तो अब यहाँ से चला जाए, फाइनली बस अब यहाँ से चलने वाली है, और अब अपन निकलते हैं इलाहाबाद के लिए। ट्रक का टायर बाप रे बाप, बहुत खतरनाक होता है। तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं इलाहाबाद। भैया अभी बताए थे बताओ कहे परेशान है। हेलो, बंद ना करे तुरंत, तुम बंद बहुत कर देते हैं। सो फाइनली अपन पहुंच गए हैं इलाहाबाद, और यहाँ पे गाड़ी अपनी बस उतार के अब यहाँ से निकल गई है, और अपन ये ऑटो से निकलेंगे अब, है ना? अपने हम आगे बैठ जाए ना, बन जाएगा ना। अब फाइनली अपन इलाहाबाद पहुँच गए हैं, और टाइम हो गया है 5:30 बज गए हैं। अब यहाँ से सिविल लाइन जाएंगे, और सिविल लाइन से बस पकड़ेंगे पढ़ाई के लिए, और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन। तो अब चलते हैं, और 7 बजे बस जाती है, देखते हैं किस में अपने को मिलता है, क्या कैसा वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। और इलाहाबाद अभी पहुँच गए हैं, बैटरी वाली ऑटो। चल ना चल। सिविल लाइन इलाहाबाद सिविल लाइन ने जो बस दिख रही है, ये अपन को छोड़ेगी बहराइच, प्रयागराज से बहराइच के लिए। और अभी ये 6:45 पर निकलेगी, UP 70 GT 97-44, ये अपने को पहुंचाएगी बहराइच। कितने बजे पहुंचाती है ये आपको आगे अपडेट मिलेगा। लगा हुआ है अपना सामान और ये सीट, और बस जाएगी 6:45 पे यहाँ से। तो
उत्तर प्रदेश राज परिवहन। सामान वगैरह अच्छे से रख गया है और सामने ये सिविल लाइन से बहराइच के लिए बस जाती है। 6:45 पे छूटेगी, अभी 6 करीब बज ही गए हैं। अब यहाँ से अपन निकलेंगे और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यात्रियों से अपील है, अनुरोध है सुरक्षित यात्रा के लिए। कोहरे के कारण संचालन बाधित होने के कारण बसों को रोके जाने पर चालक परिचालक पर बस चलाने के लिए दबाव न करें। अब ये हमको अपनी मंजिल बहराइच तक पहुँचाएगी। अपनी गर्मा गर्म चाय और इसको पिया जाए अच्छे से। बहराइच गोंडा से समथिंग 70 किलोमीटर पड़ता है, बहराइच से रोपड़िए भी 70 किलोमीटर पड़ता है। तो ये गाड़ी अपने को सुबह समथिंग पहुँचाएगी 2-3-4 बजे के करीब। उसके बाद आपको आगे अपडेट करेंगे। ये खड़ी है सामने UP 70 GT 97-44 जो कि छकाछक फुल हो जाएगी थोड़ी देर बाद। 6:45 तक झकाझक फुल हो जाएगी, झकाझक सामान फुल भर गया यहाँ पे। फाइनली अभी पहुँच गए हैं प्रतापगढ़ के जस्ट आगे और यहाँ पे खाना खाने के लिए ड्राइवर वगैरह और कंडक्टर रुके हुए हैं, जो कि सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और अपने जस्ट पीछे बस खड़ी हुई है, उसी से अपन को यहाँ से निकलेंगे। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के बीच में रेस्टोरेंट है, मैं दिखाता हूँ रेस्टोरेंट एक मिनट। ये फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाने के लिए रुके हुए हैं अपन और बस अपनी वो पीछे। साढ़े 8 बज गए हैं और अपन करीब 3 बज जाएंगे बड़े आराम से बहराइच पहुँचते। और अब चलते हैं, खाना पीना खाएंगे, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज जहाँ भी गाड़ी रुकेगी ये XYZ जहाँ भी, तो मैं फिर आपको वहाँ पे अपडेट करता हूँ और दिखाता हूँ अच्छे से पूरे A to Z। तो ऐसे कैसे रहेगी अपनी नेपाल यात्रा, वो आपको पूरा A to Z अच्छे से दिखाएंगे इसमें। बज गए हैं 12 और पूरी गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं और गाड़ी पर चल रही हैं 12:30 और गाड़ी अपनी पहुंच गई गोंडा और थोड़ी देर सोए हैं और हो गए, नींद ही कहाँ लगती है। और गोंडा का आपको व्यू दिखाते हैं और ये खड़ी है अपनी पेज है बहराइच। फिर बहराइच में अपन उतरेंगे, ये गाड़ी बहराइच में करीब 1:30-2 बजे पहुंच जाएगी। अभी थोड़ी टाइम लगेगा, तो गर्मा गर्म चाय। यहाँ से थोड़ी देर बाद गाड़ी चलेगी, तो अपन अब बहराइच कैप्चर करेंगे। फिर उसके बाद अब तो यहाँ जाएंगे, थोड़ी सोएंगे क्योंकि फिर बहराइच उठना पड़ेगा, फिर वहाँ से न्यू बस लेनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी रोपड़िए के लिए। तो अभी अपन चलें और थोड़ी रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे आपको मिलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे पूरा अपडेट अच्छे से। तो फाइनली रात के 3 बज गए हैं और अभी पहुंच गए हैं बहराइच। बहराइच से अब गाड़ी लेने रोपड़िए के लिए, यहाँ से टैक्सी है, बस निकल जाएंगे थोड़ी देर से। तो दादी और बाजे के हेल्थ फ्रेश होंगे और बहराइच में भी रुके हुए चाय वगैरह पियेंगे और यहीं पर अपना नींद वगैरह तो हुई नहीं। ये बहराइच बस स्टैंड, सामान अपना लगेज ये रखा हुआ है यहाँ पे। दुकान खुली है भैया कि 3 बजे हैं रात के। अब यहाँ से अपन रोपड़िए निकलेंगे थोड़ी देर से। हालत तो एकदम खस्ता हो गई है, क्या ही कहें, सोए ही नहीं है पूरी रात आज तो, और एकदम हालत खस्ता, एकदम नींद बहुत तेज लगी हुई है।
देखते हैं क्या कैसा। अब टैक्सी वगैरह आए उसके बाद निकलेंगे यहाँ से फिर आगे। अपन पहुंच गए हैं बरहाज। बरहाज से रुपड़िया के लिए अपन को ये वाली बस पहुंचाएगी रुपड़िया बॉर्डर। रुपड़िया पहुँचाए रुपड़िया फिर अपन निकलेंगे बॉर्डर। तो अपन को ये वाली बस जो सामने बस दिख रही है UP 78 HN 3836 ये अपने को लेके जाएगी रुपड़िया बॉर्डर। 3:30 बजे करीब चल देगी ये और यहाँ से अपन निकल जाएंगे। और यहाँ से 70 किलोमीटर है रुपड़िया, करीब 1 घंटे का रास्ता है और रोड भी बहुत अच्छी बनी है चकाचक। तो चलते हैं अपन सीट दिखाते हैं अपने। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अपनी जो गाड़ी थी वो पहुंचा दी है अपने को नेपाल बॉर्डर रुपड़िया बॉर्डर। और अपन अब यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको अपने सामने दिखाता हूँ नेपाल बॉर्डर। सुबह अपनी गाड़ी 5 बजे पहुंचा दी थी और अब 5:30 बजे 6 बजे बॉर्डर खुलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ नेपाल बॉर्डर, मतलब इंडिया और नेपाल का बॉर्डर दिखाता हूँ एक मिनट। ये जो सामने आप देख रहे हैं रुपड़िया बॉर्डर, भारत और नेपाल का बॉर्डर सामने जो दिख रहा है, ये आर्मी कैंप के भी खड़े हैं। ये नेपाल बॉर्डर, ये इंडिया का है और इसके जस्ट आगे से ये सामने जहाँ भैया खड़े हैं इसके जस्ट आगे से नेपाल बॉर्डर चालू हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल बॉर्डर खुला नहीं है, 6 बजे के करीब बॉर्डर खुलेगा ये। और अभी टाइम हो रहा है 5:45, तो बॉर्डर जैसे ही खुलता है तो मैं आपको अपडेट आगे आके दिखाता हूँ। और बहुत बेहतरीन सफ़र रहा अभी तक का, तो थकान थी पाटे हो के सफ़र में तो थकान होती है बट मज़ा भी उतना ही आता है। और जस्ट अभी पहुँचे हैं बॉर्डर 5 बजे, 5:45 हो गए हैं, 6 बजे बॉर्डर खुल जाएगा तो फिर अपन यहाँ से चलेंगे आगे। और नेपाल में कहाँ जाना है अपने को वो भी आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और नेपाल ये जो बॉर्डर है वो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से पूरा व्यू यहाँ का। और यहाँ पे बोल लोग आ गए हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं भारत और नेपाल का बॉर्डर है। और ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, बॉर्डर खुलने के लिए 10 मिनट बचे हैं, 6 बज गए हैं, 6 बजे बॉर्डर खुल जाता है बट अभी तक खुला नहीं है, 6:10 तक खुल जाएगा बॉर्डर। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये भारत नेपाल का बॉर्डर। सो फाइनली अपन पहुँच गए हैं नेपाल के अंदर। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये तुम्बर और ये बॉर्डर है जहाँ पर आपको दिख रहा है